कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद एक्शन में सीएम अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की समीक्षा के लिए बुलाई आपात बैठक। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठक में कई अहम फैसले ले सकती है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद में बुधवार को 5 नए संक्रमित मिलने और एक मरीज की मौत से हड़कंप मच गया। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को आपात बैठक बुलाई है, जिसमें कुछ अहम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी में अभी संक्रमण दर 0.19% ही है। दिल्ली सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कोरोना की मौजूदा स्थिति, नए वेरिएंट्स से कितना खतरा है और आगे संक्रमण फैलता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण ऐलान भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बैठक की थी, साथ ही राज्यों को अलर्ट रहने को कहा था। 17 मरीज दिल्ली के अस्पतालों में एडमिट हैं। बता दें कि मौजूदा समय में कोरोना से संक्रमित 17 मरीज दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट है, जबकि 19 मरीज आइसोलेशन में है। बुधवार को 2642 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से 5 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। चीन सहित कई देशों में कोविड-19 मामलों में अचानक स्पाइक को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक आपात बैठक बुलाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है, जबकि उन्होंने लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर फेस मास्क का प्रयोग करने को भी कहा है। देश में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 3 मामले 2 गुजरात और 1 उड़ीसा में सामने आ चुके हैं। अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार कोविड-19 की स्थिति पर नजर रख रही है और मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग नमूनों की जीनोम सिक्वेंसिंग सुनिश्चित करने और अन्य जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना वायरस को लेकर आपात बैठक बुलाई। जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, चीन और अमेरिका में कोविड-19 मामलों में तेजी के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आगाह रहने को कहा था। दिल्ली में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद एक्शन में सीएम अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की समीक्षा के लिए बुलाई आपात बैठक। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल बैठक में कई अहम फैसले ले सकती है।